नई ऊंचाई की तरफ आपके प्रत्येक कदम आपको बहुत आगे तक लेकर जाने वाले हैं। अपनी सुनहरी जीत के लिए तैयार हो जाओ। इस जीत पर आपका पूरा पूरा हक है, क्योंकि ये संघर्ष की जीत है, आपके संघर्ष की जीत हुई है। अगर आपके पूर्वज चाहते होंगे कि ये मैसेज आप तक पहुँचे, तो आप जरूर से ही इस दिव्य संदेश तक पहुँचोगे, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ ऐसे मैसेजेस आए हैं जो आपके लिए अभी, ठीक है, करेंट में जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज तभी आपको मिलेगा जब आपका अच्छा समय आने की शुरुआत हो चुकी होगी, तभी यह दिव्य संदेश आप तक पहुँचेगा। इससे पहले यह दिव्य संदेश आप तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है। अगर आप इस दिव्य संदेश को आज सुन रहे हैं, ये मैसेज आप तक पहुँच चुका है, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है आपके लिए कि आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है, आपका अच्छा समय अब आ चुका है। यहाँ पर डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, आपके संघर्षों की जीत हुई है। ये बहुत ज़्यादा ना सुबह से ही ये डाउनलोड मैसेज आ रहा था कि आपके संघर्षों की जीत हुई है, आपने जो मेहनत करी है अपने लाइफ में, जो भी आपने बहुत ज़्यादा ना अपने इतने सारे कष्ट झेले हैं, उन सभी का अंत होगा और आपके मेहनत का आपको बहुत ज़्यादा फल मिलने वाला है, ये डिवाइन आपको कहना चाहते हैं। तभी आप इस दिव्य संदेश को सुन पा रहे हैं। आपने जो इतनी आपने जो इतने परिश्रम किए हैं, इतने मेहनत किए हैं, एक चीज़ और यहाँ पर आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आया है। एक मोह था आपका, ठीक है, एक मोह था जिससे आपका लगाव नहीं छूट रहा था, और वो मोह आपके लिए ना बिल्कुल भी सही नहीं था, ठीक है। वो अटैचमेंट आपके लिए सही नहीं था, आपके लाइफ के लिए सही नहीं था। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे आप बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा इमोशनली उस चीज़ से जुड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि ये चीज़ें अब आपके लिए आगे जाकर सही नहीं हैं और इस मोह को टूट जाना ही सही है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम में ये ज़रूर होगा, ठीक है। एक अटैचमेंट था जो आपके लिए सही नहीं था, आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं था, और उसका टूटना बहुत ज़रूरी था। तो ये चीज़ें डिवाइन भी चाहते थे, बहुत पहले से डिवाइन चाहते थे कि ये मोह आपका टूट जाए, और ये चीज़ें यहाँ पर मैं यहाँ पर आज साफ साफ देख रही हूँ कि वो एक मोह जो था आपका वो टूटेगा, ठीक है। अब बहुत लेकिन खुश रहोगे, अब समझ जाओगे, ठीक है, डिवाइन का दिव्य संकेत आप समझ जाओगे। और उस मुँह से ना पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद उससे डिटैच हो गए, या डिवाइन को मतलब इतनी ज़्यादा आपके अंदर शक्तियाँ आ जाएंगी कि आप खुद उस चीज़ को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर आया है कि आपका आने वाला जो फ्यूचर है, अपकमिंग फ्यूचर, और ये आपका फ्यूचर भी बात हो रही है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा जो संघर्ष झेली है ना अपनी लाइफ में, जो संघर्ष करी है, जो मेहनत करी है अपने लाइफ में, मतलब सब कुछ सही करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में ना वो मेहनत का फल आपको मिलने वाला है, और आप एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ में ना आप खुद देखोगे आप बहुत ज़्यादा बदल रहे हो, आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा बदलाव अपने अंदर महसूस करोगे। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर, जहाँ आप बहुत ज़्यादा ऐसे सोचते थे और छोटी छोटी बातों में रोना, बहुत ज़्यादा सोचना, मतलब मन में बहुत ज़्यादा हलचल, बहुत ज़्यादा पीसनेस आपकी लाइफ में मैं आते हुए देख रही हूँ। आप ये बदलाव मैं आपकी लाइफ में तो आते देख रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ा जो बदलाव होगा वो आप में आने वाला है, ठीक है। आपके खुद में दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है। आप खुद को, एक टाइम ऐसा आएगा जो आप खुद को कहोगे कि ये मैं हूँ, ऐसा कब हो गया मैं, या ऐसी कब हो गई मैं इतना ज़्यादा कैसे बदल गई, या मैं इतनी ज़्यादा कैसे बदल गई, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल, जहाँ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोचते थे, बहुत रोना धोना चिल्लाना, मन में बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, हर चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करना, ये सारी चीज़ें भी मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाले हैं, और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल, मतलब बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को बैलेंस करके लोग कैसे आगे बढ़ते हैं ना, वो मैं आपके अंदर देख रही हूँ, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट के साथ आप अपने काम को पूरा करने वाले हो, और आपने जो मेहनत करी है ना यहाँ पर, वो चीज़ साफ साफ दिख रहा है, उस मेहनत का फल आपको आने वाले टाइम में मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दिव्य संकेत आपको मिल रहे होंगे, लेकिन आपको ये लग रहा है ना कि ये मैसेजेस, ये संकेत कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर
और मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में कुछ भी होने वाला है। इस टाइम अगर आपकी एनर्जी की मैं बात करूँ तो इस टाइम आपको ज़रूर से ये लग रहा होगा कि नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। भले ही आपको बहुत सारे ऐसे साइन मिल रहे होंगे, आप देख के उसे भले ही इग्नोर कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड कर रहे हैं उन खुशियों के लिए जो आपके लाइफ में आने वाले टाइम में आने वाला है। वो चीज़ें जिसे आप अपने लाइफ में रिसीव करने वाले हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपके लाइफ में बहुत जल्दी मैं यहाँ पर आते हुए देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों को 555, ठीक है, एक मतलब ये एंजल नंबर है जो आपको बार बार बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है, और ये चेंज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। 555 एंजल नंबर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, और 1111 आपके नंबर, ये जो 1111 है ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन जो आपका था, जो आपने कुछ मांगा था, जो आपकी एक बड़ी इच्छा थी, वो आपके लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं एक नहीं कहूँगी, दो नहीं कहूँगी, तीन नहीं कहूँगी, ऐसे बहुत सारे इच्छा थे आपके, ठीक है, ऐसे बहुत सारे विश थे, वो आपके लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएंगे, और आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खुश फील करने वाले हैं। फिलहाल अभी की करेंट एनर्जी देखूँ तो बहुत ज़्यादा अपना हो सकता है टेंस्ड में है, बहुत ज़्यादा आपको नींद नहीं आ रही है, मतलब मन बहुत ज़्यादा बेचैन है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेडिटेशन करना अच्छा नहीं लग रहा है, मंत्रास करना अच्छा नहीं लग रहा है, किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा है, और नींद भी आपको ऐसा हो सकता है, किसी किसी को पूरी नींद नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा घबराहट मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा हलचल देख रही हूँ मैं आपके मन में इस समय। आपको ना आप ऐसा लग रहा है मुझे बहुत सारे लोग अनबैलेंस है, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपके लाइफ से रिमूव होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, और आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में काम एंड पीसफुल लाइफ को देखने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा बैलेंस के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। ये चीज़ें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से अपने लाइफ को बैलेंस करने वाले, क्योंकि कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, और ये चीज़ें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। अब अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस के साथ जो आप पढ़ने वाले हैं आगे, ये आपको आने वाले टाइम में दिखेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारी एंजेलिक, आपके जो एंजल डिवाइन एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए अभी करेंट में डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, आपके लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी आपके लिए जानना ज़रूरी है, और वो चीज़ें आपसे छुपी हुई है। तो देख लेते हैं डिवाइन आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं, ठीक है, आपके डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। वाओ, तो खुद से हार मत मान जाना, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ। तो खुद से हार मत मान जाना, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, डिवाइन आपको ये चीज़ कह रहे हैं। तो खुद से हार मत जाना, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ। डिवाइन की दिव्य शक्तियाँ जो हैं, आपके परमात्मा जो हैं, वो आपके पीछे खड़ा है, ठीक है, दिव्य शक्तियाँ आपके पीछे खड़ी हैं। तो 1111 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा 1111 दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में ना ये चीज़ें देख रही हूँ, न्यू चीज़ें, एक न्यू आप अपनी लाइफ में हर एक चीज़ ना नयापन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं। और देख लेते हैं, धैर्य रखना, कभी निराश मत होना, जिसने तुझे लिखा है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है, क्लेम जरूर से करिएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, तुम्हारी आह उन्हें बर्बाद कर रही है, ठीक है। आपकी आह मतलब आंसू, मतलब दर्द, जो जब बहुत ज़्यादा रोते हैं ना, जब आह निकलती है, तो वो आह उन्हें बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रही है। पता नहीं किसे, आपके हेटर्स की बात हो रही होगी, आपको जिन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया, ये उनकी बात हो सकती है। तो आपकी आह को बहुत ज़्यादा किसी ने ठेस पहुँचाई है, तो ये आह उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है अब, ठीक है, आपको रुलाया, आपको परेशान किया, तो ये आह थी जो उन्हें आप बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो खुद से हार मत मानना, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, ये आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं, ठीक है, ये आपके दिव्य शक्तियाँ जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती रहती हैं, आपके साथ रहती हैं, और आपको अपना दिव्य आशीर्वाद देती रहती हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि तू खुद से हार मत मान जाइयो, क्योंकि तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ और हर वक्त खड़ा हूँ, ठीक है, आपको ये चीज़ कही जा रही है यहाँ से।
धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुझे लिखा है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। वाओ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज आया है। 11:11 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले, ठीक है। तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई। वाओ, ये कौन कह रहा है भाई। और देख लेते हैं, तूने याद किया था और हम चले आए, परमात्मा का नाम लेता रहे, तुझे जो चाहिए उसे लाना मेरी जिम्मेदारी है। ये आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं, ठीक है। जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके पूर्वज में कोई ऐसे पूर्वज हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। वो आपको देखते रहते हैं और उनका जो आशीर्वाद है वो आपके साथ रहता है, और वो आपको ये कह रहे हैं कि परमात्मा का नाम लेता रहे, ठीक है, या परमात्मा का नाम लेता रहे और तुम्हें जो भी चाहिए उसे मैं लेकर आऊँगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, चिंता नहीं करनी है, ये कह रहे हैं वो। विश्वास बना कर रखिए अपने गुरु की ताकत पर, यह तूफान को हवा के झोंके में बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। मैं फिर से एक बार सुना देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज आया है, तो एक बार फिर से मैं आपको अच्छे से सुनाती हूँ, तो देखें डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। विश्वास बनाकर रखिए अपने गुरु की ताकत पर, यह तूफान को हवा के झोंकों में बदलने का सामर्थ्य रखते हैं, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा आपको बताना चाहते हैं इस मैसेज के थ्रू। Your broken days are removed. You are going to receive happy, healthy, prosperity life. Wow! जरूर से क्लेम करिएगा आज इस रीडिंग, जिस वीडियो को। और देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। अब कुछ बड़ा होने वाला है। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो आप चाहते थे, ठीक है, और कुछ ऐसे अटैचमेंट थे आपकी लाइफ में जिससे आप ना खुद को मतलब अलग नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, दूर नहीं कर पा रहे थे, वो ऐसा मतलब आप उसके साथ इतने बहुत ज़्यादा ना मतलब गुम हो चुके थे, वो चीज़ें आपकी लाइफ से, आप खुद उस चीज़ को ना अपने लाइफ से दूर करोगे या आपके लाइफ में खुद ही वो चीज़ें हट जाएंगी, ठीक है, जो आपके लिए आपके बहुत ज़्यादा ना ये चीज़ आपको मैं देख रही हूँ कि आपके लिए सही नहीं थी, आपके लिए ये चीज़ सही नहीं थी और वो चीज़ आपने पकड़ के बैठे हुए थे, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से ना आप खुद ही उन सब से ना डिटैच हो जाओगे। इतनी पावर, इतनी शक्तियाँ आपको मिलने वाली हैं। और देख लेते हैं डिवाइन इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। अब सब कुछ आपके नज़रों के सामने होगा, आपके नज़रों के कुछ सामने आने वाला है। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं अब सब कुछ आपके नज़रों के ही सामने होगा, ठीक है, आपके नज़रों के सामने कुछ आने वाला है, कुछ आपके नज़रों के सामने होगा। योर हेटर्स आर ऑन फायर, आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा ना गुस्से में हैं, और ये इसके साथ ही आया है, अब सब कुछ आपके नज़रों के सामने होगा। तो हो सकता है कुछ आपके नज़रों के सामने हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्माइली नज़र आ रही है, ठीक है, या डिवाइन आपको कह रहे हैं स्माइल करो, बहुत ज़्यादा स्माइल, मतलब मुझे यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है हर जगह स्माइल। तो शायद हो सकता है डिवाइन अभी आपको इस वक्त कहना चाहते हैं स्माइल करो, कुछ ऐसी चीज़ें हुई होगी आपकी लाइफ में जिससे अभी आप बहुत ज़्यादा मतलब उदास हो, तो डिवाइन कह रहे हैं स्माइल करो, सारी चीज़ें आपके फेवर में ही हो रही है, जो भी हो रहा है आपके फेवर, आपके अच्छे के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हो रहा है, ठीक है। तो आप एकदम उदास होकर मत बैठो कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ मतलब मेरी लाइफ से चला गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, जहाँ अपना खुद ही को अपने आप को बहुत ज़्यादा बदलता हुआ देखोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा देख रही हूँ आपकी लाइफ में, मतलब ऐसी आप ऐसे बदल जाओगे कि आपको खुद लगेगा कि ये मैं नहीं हूँ, ये क्या हो गया मेरे साथ। एक टाइम ऐसा आएगा आपकी लाइफ में कि आप खुद ही को पहचान नहीं पाओगे। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम, आपके इनकम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। ब्लेस्ड, वाओ, इसी के साथ आया है ब्लेस्ड, आप खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहोगे और खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करोगे, ये चीज़ें यहाँ पर आ रही है। और देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। जब तुम खुद पर विश्वास रखोगे तब चुनौतियाँ तुम्हारे लिए एक नई अवसर बन जाएंगी। आपको यहाँ पर खुद पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखना है, अगर आप खुद पर विश्वास रखोगे ना तो सारी चुनौतियाँ आपके लिए दिव्य अवसर बन जाएंगे, और वो चीज़ें आप ना अपनी लाइफ में ना इसीलिए यहाँ पर आया है ब्लेस्ड फील करने वाले हैं, सारी चुनौतियाँ आपके लिए एक
अफसर बन जाएगी, ठीक है, वो चीज़ें आपके लिए सही हो जाएंगी। लेकिन आपको खुद पर बहुत ज़्यादा ना विश्वास रखना है, अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है अपने ऊपर से और परमात्मा के ऊपर से भी, बहुत ज़्यादा विश्वास की ज़रूरत है आपको। पेक मनी इज़ कमिंग योर वे। और देख लेते डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। ईश्वर ने तुम्हें उन लोगों के सामने तरक्की देना है जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया है, तुम्हें बदला लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम बस विश्वास रखो, ठीक है। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं, मैं फिर से एक बार सुना देती हूँ, ईश्वर तुम्हें उन लोगों के सामने तरक्की देगा जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, ठीक है, तुम्हें बदला लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम बस विश्वास रखो। आपको बस विश्वास रखना है उन्हीं लोगों के सामने, आपको अपार ऐसी मतलब चीज़ें आपके लाइफ में होगी, ऐसी सफलता, ऐसी तरक्की आपकी लाइफ में होगी कि यही एक बहुत बड़ा बदला होगा, ठीक है। आपके हेटर्स से आपको बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं सबसे बड़ा बदला आप ऐसे करके लोगे जब आप उनसे ऊपर की ओर बढ़ जाओगे, ठीक है, उनसे ऊपर चले जाओगे, ये चीज़ें यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं। अगले 3 दिनों में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, डिवाइन आपको कह रहे हैं, ठीक है, अगले 3 दिनों में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। अगले 3 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है। अगले 3 दिन में किसी के लिए कुछ होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, तो अगले 3 दिनों में आपको कोई बड़ी खुशखबरी, ठीक है, कुछ ऐसे दिव्य संकेत आपको मिल सकते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ, ब्लेस्ड फील करो। तो आने वाले अगले 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। देखो ये सारी वीडियो जो मैं बनाती हूँ ना, ये सारे टाइमलेस रीडिंग रहते हैं, आपको जब भी मिले ये मैसेज तभी आपके साथ रेजोनेट करेंगी, सारे टाइमलेस रीडिंग है। न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है कि कोई न्यू प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में या इन 3 दिनों में स्टार्ट करे, कोई न्यू प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, ये भी आया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती हैं इन 3 दिनों में, कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो आप चाहते हैं, कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आप सुन सकते हैं। तो ये 3 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। तुम मेरा हीरा हो, तुम्हें मैंने तराशा है, अब तुम्हें अर्श से फर्श तक ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। वाओ, ओह वाओ, बहुत पॉजिटिव मैसेज आया यहाँ पर, 777 दिख रहा है। एक्चुअल में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है, कोई ऐसी गुड न्यूज़ जो आप चाहते हैं तो वो गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। 777 एंजल नंबर दिखा है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। देखो कोई सरप्राइज़ भी आपको मिल सकता है, गुड न्यूज़ के साथ साथ कुछ ऐसे सरप्राइजेस हैं आपके लिए डिवाइन की ओर से जो आपको अचानक से मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये इस पर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ पर डिवाइन कहना चाहते हैं कुछ सरप्राइज़ है आपके लिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर डिवाइन आपको अभी बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो आपसे अभी कुछ भी कहना नहीं चाह रहे इसके बारे में, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली आया है और ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली ऐसा मतलब डाउनलोड आ रहा है कि आपके लिए कोई सरप्राइज़ आ रहा है डिवाइन की ओर से, ठीक है। ये कोई और कोई आम इंसान या आपके फैमिली की ओर से कोई सरप्राइजेस नहीं है आपके लिए, डिवाइन आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं, ये डिवाइन की ओर से है, ठीक है, डिवाइन आपको कुछ देना चाहते हैं और वो देंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही हो। ऑल स्पेल आर ब्रोकन, आपके ऊपर कुछ स्पेल वगैरह थे वो सब ख़त्म हुए हैं, ठीक है, वो सब रिमूव हुए हैं। 1444, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एनिमीज फेसिंग दे कर्मा, आपके जो एनिमीज हैं ना वो अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ जो भी हो रहा है या जो भी आने वाले टाइम में होगा ये सब उनका कर्मा होगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। गॉसिप बहुत ज़्यादा आया है, गॉसिप हो रहे हैं आपके पीछे बहुत ज़्यादा, ठीक है, बातें हो रही हैं, होने दो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो ऐसे ही होते ही हैं। यहाँ पर फिर से आया है कोई सरप्राइजेस आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिवाइन बताना नहीं चाहते यहाँ पर, क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सरप्राइजेस हैं
जो आपके लिए आ रहे हैं। और देख लेते हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आया है ये वाला मैसेज, वक्त से पहले मैं तुम्हें दे भी दूँ लेकिन तुम अपने ही हाथों से अपना विनाश कर लोगे। डिवाइन कह रहे हैं ये बात आपको, अगर मैं वक्त से पहले तुम्हें दे भी दूँ लेकिन तुम अपने ही हाथों से अपना विनाश कर लोगे। ठीक है, सब कुछ राइट टाइम पर होता है, सब कुछ सही समय पर होता है, सारी चीज़ें सही समय पर ही दी जाती है। उससे पहले अगर कुछ आपको दी जाती है, ठीक है, तो उस चीज़ का ना आप अपने हाथ से ही अपना विनाश कर लेते हैं, यहाँ पर ये डिवाइन कहना चाहते हैं। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पर ही आपको वो चीज़ दी जाती है जो आपके लिए है, जो आपके लिए बनाई गई है, जो आप चाहते हैं। ठीक है, ये डिवाइन चाहते हैं वो चीज़ डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलती है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, कोई कह रहा है आपसे, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ओके, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। यू कैन कम्युनिकेट विद स्पिरिट, आप अपने स्पिरिट से बहुत अच्छे से बातचीत कर लेते हो। ठीक है, उनके दिव्य संकेत को समझ लेते हो। आपको देखो इस टाइम पर भी ना बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिल रहे होंगे, ऐसे कोई संकेत मिल रहे होंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखें कौन से ऐसे मैसेज आपको मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है मैसेज आपको मिल रहे हैं। ठीक है, संकेत आपको बहुत सारे मिल रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर से बताना किसे मिल रहे हैं इतने सारे मैसेजेस। सडन इंक्रीज इन योर इनकम, आपके इनकम में सडन इंक्रीज होने वाला है, इनकम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। प्रोटेक्ट एंड केयरिंग, ये इनकम वाला और ये प्रोटेक्टेंट वाला बहुत ज़्यादा आया है, आपको बहुत ज़्यादा ना कोई प्रोटेक्ट करना चाहता है, कोई बहुत ज़्यादा आपको केयर करना चाहता है, ये चीज़ें यहाँ पर आई है। और देख लेते हैं, तू हिम्मत कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे, सब हार जाएंगे तुझे रुलाने वाले। वाओ, एक बार फिर से करते हैं रीड डिवाइन के मैसेज को, ये वाले, तू हिम्मत कर बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, सब हार जाएंगे तुम्हें रुलाने वाले। ठीक है, यहाँ पर 2-2-2 दिख रहा है, मतलब डिवाइन ब्लेस्ड कर रहे हैं एक्चुअल में। और 2-2-2 फिर से दिखा है, जिस पर लिखा है कुंडलिनी जागृति, ईरा और पिंगला नाड़ी आपके बैलेंस में आ रही है, अभी आई नहीं है लेकिन आ रही है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और इस टाइम पर मैं ये चीज़ कह सकती हूँ, अभी तो आप ना इन सारी चीज़ों से थोड़ी दूर जा रहे हैं, मतलब आपको मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे भी मतलब बहुत ज़्यादा आलस देख रही हूँ मैं आपके अंदर अभी इस वक्त, ये चीज़ें मैं कह सकती हूँ। एक्चुअल में आप बहुत जल्दी अभी आलस कर रहे हैं अगर करेंट में बात करूँ, लेकिन आने वाले टाइम में ना बहुत ज़्यादा मेडिटेशन मंत्रास, ठीक है, ये सब करोगे, तो जिससे दिख रहा है आपकी जो ये कुंडलिनी जागृत है, ईरा नागरी जो पिंगला नाड़ी जो जागृत होगी, ये सब बैलेंस में जो आएगी, तो ये इन कारणों की वजह से आएगी, क्योंकि आप अध्यात्म में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आध्यात्मिक मार्ग में बहुत ज़्यादा डीपली आप जाने वाले हैं। ठीक है, उनका मतलब दिव्य मार्ग पर आप जाने वाले हैं, तो यहाँ पर इसलिए लिख रहा है ये चीज़, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आई है कि आपकी जो कुंडलिनी जागृत है और जो ईरा और पिंगला नाड़ी है वो बैलेंस में आएंगी। आप अपने जो कर्म करोगे, ये जो कर्म आप करोगे जो मैंने अभी बताया, बहुत ज़्यादा मंत्रास करना, मेडिटेशन करना, खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, शेडो वर्क करना, तो इन सारी चीज़ों से ये बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, कुछ पॉजिटिव बदलाव आपके लाइफ में आ रहे हैं। मचेगा हाहाकार, उनके जीवन में आंधी और तूफान आएंगी जिन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। मचेगा हाहाकार, उनके जीवन में आंधी और तूफान आएगी जिन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। पाओ, ठीक है, आपके साथ जिन्होंने गलत किया ना, उनके जीवन में आंधी तूफान हाहाकार मचने वाला है। आपका सरल हो जाना, बड़े बड़े राजनीति के छक्के छुड़ा रहे हैं। मैंने क्या कहा था, आप आने वाले टाइम में ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दोगे, और आप ऐसे लोगों को ना बिल्कुल भी मतलब उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दोगे, उनकी तरफ आपको देखना पसंद भी नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को तो आप इतना मतलब सामने से इग्नोर करके चले जाओगे। तो आपका सरल हो जाना, मतलब आप अब वो बहुत सारी ऐसी बकवास करेंगी, बहुत सारी चीज़ें करेंगी आपको, मतलब उनका जो अब वो चाहेंगे कि आपका ध्यान उनकी तरफ जाए, लेकिन आप उन्हें रत्ती भर भी यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है भाव तक नहीं दो, मतलब उन्हें देखना पसंद ही नहीं करोगे, तो
ये चीज़ यहाँ पर लगी। पहले आप बहुत ज़्यादा, मैंने क्या कहा था, बहुत ज़्यादा चिल्लाना, बहुत ज़्यादा बोल देना, सबको कुछ तहस नहस कर देना, लेकिन अभी आप इतने ज़्यादा डीपली दिव्य मार्ग पर हो, आप अपने आप पर ध्यान दोगे, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे लॉजिकली, तो इन सारी चीज़ों का जो है ना आपकी लाइफ में, ये सब ना कहीं बाहर चला जाएगा आपके, मतलब आपके अंदर से सब। मैंने क्या कहा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैं बदलाव देख रही हूँ, आपके आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाले टाइम में आएगा, जिससे आपको खुद भी लगेगा कि मैं इतना कैसे बदल गया या बदल गई। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मैं एनर्जी बता रही हूँ आपको, तो आप खुद ही देखोगे आपका सरल हो जाना। ठीक है, उन लोगों के राजनीति के, बड़े बड़े राजनीतियों के छक्के छोड़ा, ऐसे लगेगा उनके छक्के छूट रहे हैं, ऐसा वो महसूस करेंगे, ऐसा आप करोगे। ठीक है, आप उन्हें फुल्ली इग्नोर करने वाले हो, उनकी तरफ बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं है, वो चाहेंगे कि आप उन्हें ध्यान दो, उनकी तरफ देखो, वो जैसे रिएक्ट कर रहे हैं आप भी उनके जैसा ही रिएक्ट करो, उनके जैसा ही बोलो, चिल्लाओ, लड़ाई करो, झगड़े करो, जो करना है करो, लेकिन आप इन सब से ना कहीं दूर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने इन सबको कहीं, मतलब आपके लाइफ से ये सब हट रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा अपने दिव्य मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें, ये दिव्य बदलाव है आपके अंदर।